वेलकम गाइस, आज हम बना रहे हैं मटन कौरमा जो बहुत ही यमी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे 1/2 kg मटन और ये तेज़पत्ता और लौंग, एक छोटी इलायची, ये बस इतना ही, और एक अनियन लेना है और ये लाल मिर्च पाउडर और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट है। ओके, और बाद में ऐड करेंगे ये केवड़ा वाटर। सबसे पहले हम ये मसाले तेल में डालेंगे, जो खड़े मसाले हैं, लौंग, छोटी इलायची और तेज़पत्ता। फिर अब इसमें अनियन डाल देंगे। अब हम गोल्डन ब्राउन करेंगे अनियन को। और मेरी ये छोटी सी ट्रिक है, मैं अनियन में ही सॉल्ट डाल देती हूँ, इससे अनियन जल्दी फ्राई हो जाता है। देखिए अनियन लगभग फ्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है। अब ये ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे मटन। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मटन ये 2 मिनट तक लगभग भुन चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये रेड चिली पाउडर। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जिसमें जिंजर 1 स्पून है और गार्लिक 2 स्पून। गार्लिक ज़्यादा हो जाए तो चल जाएगा, बट जिंजर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें गार्लिक का ही फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है, तो गार्लिक डालने में कंजूसी ना करें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास पानी, ये देखिए। अब मैं इसमें केवड़ा डाल रही हूँ, को 4-5 सीटी आने तक कुक करूँगी। सीटी आप उतनी दीजिए जितना टाइम में आपका मटन तैयार होता है, तो आप प्लीज़ अपने हिसाब से इसमें सीटी लगा सकते हैं। देखिए मटन गल चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लेमन। और इसको भून लेंगे इसका पानी सूखने तक। गाइस मैं बता नहीं सकती इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, आप इसे बनाना ज़रूर। जब आप इसे बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितना यमी बनता है। ये मैंने 1 स्पून इसमें दही थोड़ा सा मैश करके ऐसे डाल दिया है, और मैं इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला ही बनाती हूँ, तो ये बस तैयार है ऑलमोस्ट। हल्का सा इसमें ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं इसको। मैंने पहले भी इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाला था, अभी भी मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इसे डाल के मैं इसको कुकर थोड़ा सा ढक दूंगी ताकि इसकी स्मेल पूरे में फैल जाए। तो देखिए तैयार है ये हमारा शाही कौरमा, और ये लखनवी स्टाइल है। आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर करना, अपने हिसाब से गार्निश करना, और पूरी, पराठा या रोटी, नान, शिरमाल, हर चीज़ से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।